नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भक्ति आंदोलन में, जो भक्ति आंदोलन था दो भागों में बटा हुआ था, दो शाखाओं में बटा हुआ था, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। तो इन दोनों के विषय में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और इसके जो संत थे, इन दोनों शाखाओं के जो संत थे उनके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा संत किस शाखा का कवि था, इस टाइप से पूछा जाता है। तो पूरा चीज हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, भक्ति आंदोलन। तो देखिए, जो भक्ति आंदोलन है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पूरा हम लोगों ने डिटेल में देखा था कब शुरू हुआ, कब उत्तर भारत में आता है और किस प्रकार से इसका जो है प्रचार प्रसार होता है। तो जब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आता है, इसका प्रचार प्रसार होता है, तो ये जो भक्ति आंदोलन है ये दो भागों में बढ़ जाता है, दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था। तो ये दो शाखाएं कौन कौन सी थी, पहला था निर्गुण भक्ति शाखा, दूसरा था सगुण भक्ति शाखा। उसके बाद ये जो है ना, जो निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा, ये दोनों भी दो दो शाखाओं में बट गया था। जो निर्गुण भक्ति शाखा है वो ज्ञानमार्गी शाखा, ज्ञानमार्गी अथवा इसको ज्ञानाश्रयी भी कहा जाता है, ज्ञानाश्रयी, श्रयी शब्द जोड़ देंगे, ज्ञानाश्रयी, वैसे ही ज्ञानाश्रयी तो ऐसे लिखे रहेगा, तो उसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे ही दूसरा है प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी इसको जो है प्रेमाश्रयी भी लिखा जाता है, प्रेमाश्रयी। उसके बाद ये दो हो गए प्रेमाश्रयी, ज्ञान मार्गी किसके हो गए, निर्गुण भक्ति शाखा के। उसके बाद जो सगुण भक्ति शाखा है वो भी दो भागों में बटा था, दो शाखाओं में बटा था, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी। कृष्ण मार्गी को कृष्णाश्रयी, कृष्णाश्रयी, और राम मार्गी को रामाश्रयी भी कहा जाता था। तो ये तो हो गया इसका विभाजन। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानते हैं कि निर्गुण शाखा क्या है, प्रेम मार्गी शाखा क्या है। तो देखिए, भक्ति आंदोलन दो भागों में बट गया, एक निर्गुण दूसरा सगुण। तो पहले हम लोग समझते हैं निर्गुण को। तो देखिए, निर्गुण जो निर्गुण भक्ति शाखा के जो संत थे ना, जिनमें कबीरदास जी, रैदास जी, इन सब का नाम आता है, मैं बताऊंगा आगे जो भी संत हुए थे। तो जो निर्गुण भक्ति शाखा के जो संत थे उनका जो मानना था कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो परम सत्ता है, वो निराकार है, मतलब कि उसका कोई आकार नहीं है, उसको हम लोग जो है मतलब कि देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इस टाइप से उसका कोई आकार है ही नहीं। जो निरंग जो ईश्वर है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसका कोई आकार है ही नहीं, वो जन्म नहीं लेता है, वो किसी प्रकार का कोई अवतार नहीं लेता है। तो ये जो निर्गुण भक्ति शाखा के जो संत थे वो निराकार ब्रह्म की पूजा करते थे। ये लोग जो है मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा, तीर्थाटन, इन सब चीज़ों का विरोध करते थे, और समाज में जो भी कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ फैली हुई है, धर्म में जो आडंबर कर्मकांड फैले हुए हैं, उन सब चीज़ों का ये लोग जो है विरोध किया करते थे। तो ये क्या है निर्गुण, मतलब निर्गुण मतलब कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, उसका कोई आकार नहीं है। मानते थे ये लोग, ईश्वर में ये लोग विश्वास रखते थे, लेकिन ईश्वर का कोई आकार नहीं है। जो परम ब्रह्म है, जो परम सत्ता है, जो ईश्वर है, जो मतलब कि इस दुनिया को चलाता है, वो कैसा है, निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को आ गया होगा समझ में निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में। उसके बाद बात करें तो सगुण भक्ति शाखा के विषय में, सगुण भक्ति शाखा, तो ये लोग जो है ना निर्गुण भक्ति शाखा के बिल्कुल उलट थे। ये लोग जो है ईश्वर, इनका ये मानना था कि जो ईश्वर है उसका आकार होता है, ईश्वर जो है धरती पर अवतार लेते हैं, और ये लोग जो है सगुण भक्ति शाखा के जो संत थे वो लोग ईश्वर की मूर्ति बनाते थे, भगवान की मूर्ति बनाते थे, मंदिर बनाते थे, तीर्थ यात्रा पर जाते थे, और जो भी आडंबर है उनका वो लोग पालन करते थे। तो ये क्या है सगुण भक्ति शाखा, मतलब कि वो जो है किसी ईश्वर की पूजा, मतलब कि जिस भी ईश्वर को मान रहे हैं, जिस भी भगवान को मान रहे हैं, वो लोग जो है उसकी मूर्ति की पूजा करेंगे, उसके जो तीर्थ स्थल है उसकी यात्रा करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, तो वो लोग जो है ईश्वर को जो है आकार दे रहे हैं, मतलब कि ईश्वर के हम मनुष्यों के टाइप की कल्पना की गई, मतलब कि जो उस समय जो ईश्वर होता था, जो भगवान होते थे, जैसे कि विष्णु जी हो गए, शिव जी हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, तो वो जो है मनुष्य के समान होते थे, मतलब कि हम मनुष्यों का जिस तरह से शरीर होता है, सिर होता है, बाल होता है, आंख नाक कान पैर, तो वैसे ही होता है ईश्वर, वैसे ही होता है भगवान, ये इनका मानना था सगुण भक्ति शाखा वालों का। वही जो निर्गुण भक्ति शाखा वाले हैं ये लोग निराकार ब्रह्म, मतलब कि जो ईश्वर है उसका कोई आकार है ही नहीं, वे ये जो है ना
मंदिरों में नहीं जाते थे ईश्वर की पूजा करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, अपना घर में भी, घर में ही जहां चाहे वहां पर ईश्वर का स्मरण कर लेते थे। लेकिन जो सगुण भक्ति शाखा वाले हैं, ये लोग जो है मूर्ति, मतलब कि अपने घर में ही भगवान की मूर्ति रख लेते थे, या आसपास जो भी मंदिर हो या कोई तीर्थ स्थल हो वहां पर भी जा करके ये लोग जो है अपना ईश्वर को याद करते थे। तो ध्यान रखेंगे, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। अब मैंने बताया कि जो निर्गुण भक्ति शाखा है, सगुण भक्ति शाखा है, ये दोनों भी जो है दो दो भागों में बटा हुआ था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निर्गुण भक्ति शाखा के विषय में। तो देखिए, जो निर्गुण भक्ति शाखा है ना, ये दो भागों में बटा था, मैंने बताया ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ज्ञान मार्गी को। तो जो ज्ञान मार्गी शाखा के या ज्ञानाश्रयी शाखा के जो संत थे, ये लोग जो है ना, जो ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के बल पर ईश्वर की प्राप्ति का बात करते थे। मतलब कि ज्ञान के द्वारा, मतलब कि पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो और उसके बाद आपको जो है ईश्वर प्राप्त होंगे, मतलब कि मोक्ष प्राप्त होगा। हम लोगों ने देखा था कि जो मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। मनुष्य को जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है, तो उसको जो है मोक्ष प्राप्त करना होगा, उसके बाद ही वो जो है परमात्मा में विलीन हो जाएगा, ईश्वर से मिल जाएगा। तो जो ज्ञान मार्गी शाखा के जो संत थे, उनका मानना ये था कि ज्ञान प्राप्त करो जितना हो सके उतना, और जो समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है, जो बुराइयां फैली हुई है, धर्म में जो बुराइयां फैली हुई है, जो आडंबर हो रहे हैं, जो कर्म कांड हो रहे हैं, उनकी इन लोगों ने भर्त्सना की। जैसे कि संत कबीर दास, उनके दोहे एक से बढ़कर एक, बहुत सारी जो कुरीतियां हैं उन पर उन्होंने प्रहार किया, यहां तक कि धर्म। और धर्म के मामले में ऐसा नहीं है कि कबीर दास जी और इस मार्ग, मतलब कि इस शाखा के, ज्ञान मार्ग की शाखा के जो दूसरे संत है, केवल एक ही धर्म को उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो है उस समय जितने भी धर्म थे, विशेष करके हिंदू, हिंदू तो थे ही थे, हिंदू धर्म से ही निकला था भक्ति आंदोलन, तो उस समय जो मुस्लिम थे उनके धर्म पर भी प्रहार किया गया। मतलब कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म में जो भी बुराइयां थी, जो भी कुरीतियां थी, दोनों धर्मों की बुराइयों कुरीतियों पर इन लोगों ने प्रहार किया, रचनाएं लिखी। जैसे कि कबीर दास जी, उन्होंने मुस्लिमों के लिए लिखा था कि जो कंकड़ पत्थर जोड़ करके आप लोग जो है मस्जिद बनाते हो, उसके बाद मस्जिद की मुंडेर पर मुल्ला चढ़ करके जो अल्लाह का आवाज लगाता है जोर जोर से, तो वो कहते हैं क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है। वही हिंदुओं के लिए कहते हैं कि दौड़ दौड़ कर आप लोग जो है किसी तीर्थ में जाते हो, तो क्या तुम्हारा पाप धुल जाता है। या फिर इसके अलावा एक पाहन पूजे हरि मिले सो मैं पूजू पहार, तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप जो है छोटे से एक मूर्ति, पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, जहां बहुत सारे पत्थर होंगे, बहुत बड़े बड़े पत्थर होंगे, तो मेरे तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो इस टाइप से ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि थे, ये लोग कवि भी थे, तो ज्ञान मार्गी शाखा के जो संत थे, उन्होंने हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर भी प्रहार किया, सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया और ज्ञान की बातें की। जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें भी की है, ज्ञान संबंधी चीज़ें उन्होंने लिखी है, पढ़िएगा उनके दोहों को, कविताओं को, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी है। तो ये ज्ञान मार्गी, तो इनके जो संत थे उनके बारे में याद रखेंगे, मतलब कि इनके जो संत थे ज्ञान मार्गी शाखा के। देखिए, प्रश्न किस टाइप से पूछेगा, आप लोगों को ये चीज़ भी पूछ सकता है कि हालांकि ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये जो है जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनसे भी ये प्रश्न पूछा जाता है, मेरे ख्याल से सातवीं या आठवीं, शायद सातवीं में है मेरे ख्याल से, या फिर इलेवंथ में होना चाहिए। तो प्रश्न आप लोगों से क्या पूछेगा, जो संत हैं, पूछेगा आप लोगों से कि कौन सा संत ज्ञान मार्गी शाखा से है, कौन सा संत प्रेम मार्गी शाखा से है, कौन सा संत कृष्ण मार्गी शाखा से है, इस टाइप से पूछेगा। उनकी रचनाएं भी पूछेगा, हालांकि मैं अभी रचनाओं के बारे में नहीं बताऊंगा, वो मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि जितने भी संत मैं अभी बताने वाला हूं वो तो नाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रचनाओं के मामले में कुछ का जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं अलग से बताऊंगा रचनाओं के विषय में। तो बात करते हैं ज्ञान मार्गी शाखा के संतों के विषय में। तो सबसे पहला नाम तो आता है कबीर दास जी का, संत कबीर दास जी, जिनको क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है, क्रांतिकारी संत कहा जाता है। इनके बारे में पूरा डिटेल मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, पूरी जीवनी मैं बताऊंगा इनके बारे में। दूसरा नाम याद रखेंगे रैदास,
रैदास जी, उसके बाद गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की। उसके बाद अगला नाम याद रखेंगे दादू दयाल, दादू दयाल। उसके बाद अगला नाम याद रखेंगे जंभनाथ। कुछ नाम मैं लिख देता हूँ जो थोड़े से आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे, मुझे ऐसा लगता है, जंभनाथ, बाकी कबीरदास, गुरु नानक देव, रैदास, इसके बाद दादू दयाल, ये तो बहुत सारे पुस्तकों में दिया भी होता है। तो जंभनाथ याद रखेंगे, उसके बाद सलूकदास, जंभनाथ के बाद क्या, सलूकदास, ये भी जो है ज्ञानमार्गी शाखा के कवि थे। उसके बाद सुंदरदास याद रखेंगे, पूछा जाता है कि ये किस शाखा के कवि थे, तो ये जो है कुछ जो कवि हैं। अच्छा एक छूट रहा है, हाँ हाँ ठीक है हो गया इतना, तो कबीरदास जी याद रखेंगे। अच्छा एक नाम छूट रहा है, नामदेव, नामदेव, तो इनको भी याद रखेंगे, नामदेव जी को भी। तो टोटल जो है ना आठ हो रहे हैं, कौन कौन एक बार गिन लेते हैं, कबीरदास जी, रैदास जी, गुरु नानक देव जी, उसके बाद दादू दयाल, उसके बाद जंभनाथ, फिर सलूकदास, फिर सुंदरदास, फिर नामदेव। ये सभी किस शाखा के कवि हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के, पूछा जाएगा मतलब कि किस शाखा के कवि हैं, ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा। अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ होता है निर्गुण भक्ति शाखा तो भी सही है, क्यों, क्योंकि निर्गुण भक्ति शाखा के ही तो दो भाग है ना, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, तो ऐसे याद रखेंगे। तो नाम याद रखेंगे इन संतों का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं निर्गुण भक्ति शाखा के दूसरे भाग, दूसरे शाखा, जिसको प्रेम मार्गी शाखा या फिर प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए ये जो प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी शाखा में जो संत थे ना, इसमें अधिकतर जो सूफी संत थे वो लोग आते थे, और अधिकांशतः मुसलमान, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम, इसमें जो है जो हिंदू भी कई सारे संत थे जो कि प्रेम मार्गी शाखा, मतलब कि प्रेम की बातें करने वाले उस टाइप के भी जो संत थे वो थे। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि ये जो प्रेम मार्गी शाखा के, इन्होंने समाज में प्रेम फैलाया, मतलब कि ऐसा वाला प्रेम नहीं जो एक लड़का लड़की के बीच होता है, उस टाइप का चीज़ नहीं, मतलब कि मानव को जो है सभी प्राणियों से, सभी मनुष्यों से प्रेम करना, इस टाइप की चीज़ें। तो ये प्रेम मार्गी कवियों ने, प्रेम मार्गी संतों ने इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया। अगर हम लोग बात करें संतों के विषय में, तो सबसे पहला नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। तो याद रखेंगे इनका नाम, ये जो है प्रेम मार्गी भक्ति शाखा के अंतर्गत आते थे। उस पर दूसरा नाम याद रखेंगे मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद। उसके बाद अगला नाम याद रखेंगे मजन, मजन, अगला नाम मजन। उसके बाद उस्मान, फिर कुतुबुल, कुछ नाम थोड़े से मैं कठिन टाइप के उनको लिख देता हूँ, कुतुबन, कुतुबन, तो ये एक थे कुतुबन। इसके बाद जो है ना शेख नवी, शेख नवी, उस्मान याद रह जाएगा आप लोगों को, मलिक मोहम्मद जायसी भी याद रह जाएगा, उस्मान मैं लिख देता हूँ कुछ को, तो मजन। तो ये कुछ जो है प्रेम मार्गी शाखा के संत थे। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम विशेष याद रखेंगे, मुल्ला दाऊद, उसके बाद कुतुबन, शेख नवी, फिर उस्मान, फिर मजन, ये सब जो है प्रेम मार्गी शाखा के संत थे। तो ये हो गया निर्गुण भक्ति शाखा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सगुण भक्ति शाखा, मतलब कि जो सगुण भक्ति शाखा के जो संत थे वो जो है ईश्वर की प्रतिमा, ईश्वर की मूर्ति, ईश्वर का मंदिर, तीर्थ स्थल, उसको आधार बना करके ये लोग जो है अपना आराधना करते थे, भक्ति करते थे। तो ये भी दो भागों में बटा था, बताया मैंने कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी या फिर कृष्णाश्रयी या फिर रामाश्रयी, राम मार्गी रामाश्रयी, ऐसे याद रखिएगा। तो कभी कभी जो है रामाश्रयी कृष्णाश्रयी ये भी दिया हुआ होता है, तो मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कृष्ण मार्गी, कृष्ण मार्गी शाखा के विषय में। तो देखिए जैसा मैंने बताया कि सगुण भक्ति शाखा के जो संत हैं वो जो है मतलब कि जो ईश्वर को जो है मानते हैं कि ईश्वर जो है अवतार लेता है, ईश्वर जन्म लेता है, मूर्ति के रूप में उसको पूजते हैं, मंदिर बनवाते हैं उसके लिए, तीर्थ स्थलों की मतलब कि जो भी स्थान उस भगवान से संबंधित है उसकी यात्रा करते हैं, दूसरी चीजें वो करते हैं। तो इसमें जो कृष्ण मार्गी शाखा थे, जो कृष्ण भगवान हैं, यहां पर ऊपर में ये लगेगा, कृष्ण मार्गी शाखा के जो संत हैं वो कृष्ण जी की भक्ति करते थे। कृष्ण जी जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है, तो वो कृष्ण जी की भक्ति करते थे, कृष्ण जी के विषय में वो लिखा करते थे, कृष्ण जी की भक्ति करते थे। अब इसमें अगर हम लोग संतों की बात करें, तो जो सबसे पहला नाम आएगा मीराबाई,
मीराबाई, इनके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मीराबाई जो कि कृष्ण की बहुत बड़ी भक्तन थी, उनकी भक्ति में इतनी अधिक वो लीन हो गई कि कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन भी दे दिया था। मतलब कि वो जो है कृष्ण के प्रति अपना अटूट श्रद्धा रखती हैं, अटूट उनका भक्ति करती हैं, पूरी तरह से डूब जाती हैं। तो मीराबाई का नाम याद रखेंगे कृष्ण मार्गी शाखा के कवियों में, मीराबाई। दूसरा नाम याद रखेंगे सूरदास। सूरदास जी ये भी जो है कृष्ण जी के भक्त थे, कृष्ण जी के लिए उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है सूरदास जी। उसके बाद रसखान, रसखान याद रखेंगे, रसखान ये नाम भी जो है आप लोगों ने सुना ही होगा। रसखान ये भी जो है कृष्ण जी के भक्त थे, मतलब कि कृष्ण मार्गी शाखा के संत थे। उसके बाद अगला नाम याद रखेंगे अपना, क्या कहेंगे, रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के समकालीन थे, मुगल शासक अकबर उसके समकालीन थे अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये भी जो है कृष्ण मार्गी शाखा के संत थे, अब्दुल रहीम खान खाना। इसके अलावा कुछ और संत हैं जैसे कि नरोत्तम दास, इसके अलावा नंददास, परमानंद, कुंभनदास, कृष्णदास, ये सब जो है ना कृष्ण मार्गी शाखा के संत थे। याद रखिएगा, एक बार मैं फिर से नाम बोल देता हूँ। पहला तो आप लोगों को याद रखना है मीराबाई, उसके बाद रसखान, उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, सूरदास जी का नाम याद रखेंगे, कृष्णदास जी का नाम याद रखेंगे, कुंभन दास जी का नाम याद रखेंगे, परमानंद जी का नाम याद रखेंगे, नरोत्तम दास जी का नाम याद रखेंगे, नंददास जी का नाम याद रखेंगे। ये सब जो है कृष्ण मार्गी शाखा के संत थे। उसके बाद आखिर में हम लोग बात करते हैं राम मार्गी शाखा। देखिए राम जी, श्री रामचंद्र जी, ये भी जो है विष्णु जी के अवतार थे। तो उस समय के जो संत थे, जो सगुण भक्ति शाखा के संत थे, मतलब कि जो किसी ईश्वर की मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे, मंदिर पूजा, तीर्थाटन, इन सब पर विश्वास करते थे, तो उनमें से आधे कृष्ण जी की पूजा करते थे, आधे जो है राम जी की भक्ति किया करते थे। तो राम मार्गी जो संत थे उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन थे ये। तो इनमें जो सबसे पहला नाम आता है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी वो राम मार्गी संत थे, उन्होंने श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। तो पहला तुलसीदास जी। उसके बाद दूसरा आप लोग याद रखेंगे नरहरी दास, दूसरा नरहरी दास, इसके बाद नाभा दास, केशव दास, इसके बाद ईश्वर दास, और एक नाम है रामानंद, जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर के आए थे रामानंद। तो वो भी जो है राम मार्गी शाखा के संत थे। देखिए जो रामानंद है ना, उन्हीं ने विष्णु के स्थान पर राम जी की भक्ति करना शुरू किया था। तो रामानंद, तुलसीदास, इसके अलावा ईश्वरदास, केशवदास, नरहरिदास, नाभादास, ये सब जो हैं राम मार्गी भक्ति शाखा के संत थे। और इन सभी संतों ने अपने अपने, मतलब कि जो राम मार्गी वाले हैं, कृष्ण मार्गी वाले हैं, प्रेम मार्गी वाले हैं, ज्ञान मार्गी वाले हैं, सभी ने अपना अपना जो शाखा है उसके आधार पर रचनाएं लिखी बहुत सारी। इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, मैं उस पर अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा सबका जो भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और अगर कोई रचना पे थोड़ा ज्यादा बात करना है, थोड़े डिटेल में बताना है, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर भी। तो ध्यान रखिएगा, इन संतों का नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर हो सकता है कि मैं इस पर कोई ट्रिक बना लूं, मतलब कि इतने सारे संत हैं, चार चार शाखाएं हैं और हर में लगभग पांच छह सात सात संत हैं, अगर मेरे से कोई ट्रिक बन जाता है, ट्रिक बना लेता हूं अगर इन संतों के ऊपर, तो मैं वो भी जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वैसे आप लोग यूट्यूब में खोजिएगा, आप लोगों को मिल ही जाएगा इन संतों के ऊपर ट्रिक। तो ध्यान रखेंगे इन संतों का जो भी नाम है, किस शाखा से हैं। इसके बाद एक चीज याद रखिएगा कि ये जो संत थे ना, जैसे कि जो राम मार्गी संत हैं, उन्होंने अधिकतर जितने राम मार्गी संत थे उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया, मतलब कि अवधी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी राम मार्गी शाखा के जो संत थे उनके द्वारा। वहीं अगर हम लोग बात करें जो कृष्ण मार्गी शाखा के संत थे, मीराबाई हो गए, सूरदास जी हो गए, उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा का। राम मार्गी वालों ने अवधी भाषा का, कृष्ण मार्गी शाखा के संतों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। वहीं अगर हम लोग बात करें ज्ञान मार्गी, तो ज्ञान मार्गी वालों ने भी जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, ध्यान रखेंगे ब्रज भाषा का। और जो अपने प्रेम मार्गी शाखा वाले, इन्होंने भी अवधी का प्रयोग किया। कैसे याद रखोगे, देखिए बताता हूं मैं। जो श्री कृष्ण जी हैं
उनके जो संत थे उनसे संबंधित जो संत थे उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। कैसे याद रखोगे? बड़ा आसान है। जो श्री कृष्ण जी का संबंध है कहाँ से है? ब्रज से है। ब्रज से वो आते हैं तो उनके जो भी रचनाएं लिखी गई किस भाषा में लिखी जाएंगी? वो जहाँ से आते हैं वहीं की वहीं से, तो ब्रज भाषा में पूछा जाएगा। सूरदास जी, मीराबाई, इन्होंने किस भाषा में रचनाएं लिखी? तो ब्रज भाषा। उसके बाद राम मार्ग। अब राम जी को समझ लो अवध से हैं, तो अवध से हैं तो उनके द्वारा उनके लिए जो भी लिखा गया अवधी भाषा में। वैसे ही ज्ञान मार्ग की कबीर दास जी को पकड़ लीजिए, कबीर कबीर वो ब्रज क्षेत्र में रहते हैं ऐसा मान लीजिए, तो ब्रजभाषी मतलब कि ब्रज भाषा में। उसके बाद प्रेम मार्गी, इन्होंने अवधी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थी। तो ये सब कुछ याद रखिएगा, बहुत पूछता है प्रश्न, मतलब कि बहुत सारी परीक्षाओं में जो है भक्ति काल से संबंधित जो भी संत हैं, जो भी दूसरी चीजें हैं भक्ति आंदोलन के कारण, पूरा हमने डिटेल में देखा था पिछले वीडियो में। तो सारा चीज आप लोग जो है याद रखिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अपना जो भी परीक्षा है एग्जाम है उसको क्लियर करिएगा। तो इसी तरह से मेरी वीडियोज को देखते रहिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को रेगुलर देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा करके रखिएगा, क्योंकि उसी से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। बहुत सारे जो बच्चे हैं बेल आइकॉन नहीं दबाए रहते हैं तो उनको जो है नोटिफिकेशन समय पर नहीं मिल पाता है, फिर उनको जो है यूट्यूब ऐप में जाकर के देखना पड़ता है कि वीडियो आया या नहीं। तो आप लोग जो है बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा तो उससे जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।